वेलकम टू लर्न ग्लोकस। आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि इंग्लिश सेंटेंसेस के एंड में प्रेपोजिशन कब कब आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंसेस को जहाँ पे प्रेपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में होता है। एक एग्जांपल आपके सामने है, जैसे कि व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे एंड में ऑफ प्रेपोजिशन है। तो इसी तरह के मतलब प्रिपरेशंस कब कब आते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, तो इसके लिए थ्री रूल्स हैं जिसे हम लर्न करेंगे। मेन रूल्स थ्री हैं, उनकी सहायता से हम समझ जाएंगे कि एंड में कब कब डालना होता है। एग्जाम्पल तो आपके सामने है। अगर इसका नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस होता है ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। अगर इस सेंटेंस की हिंदी की बात करते हैं तो उसे कॉफ़ी का शौक है। तो थर्ड लाइन फोकस करते हुए ही What is he fond of? यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन लास्ट में आया है, क्यों आया है इसे लर्न करेंगे। थ्री रूल्स की सहायता से कब कब आता है यह भी जान जाएंगे। सो रूल वन, रूल वन में है कि जब सेंटेंस में दैट, दैट कैसा, कौन सा दैट, रिलेटिव प्रोनाउन वाला दैट, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन वाले दैट का यूज सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है, तो हम वैसे सेंटेंसेस में अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो लास्ट में ही रखते हैं। प्रेपोजिशन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रेपोजिशन अगर उसमें यूज किया हुआ है तो लास्ट में ही करना होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन दैट जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वहाँ पे प्रेपोजिशन रहेगा तो एंड में ही रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए, हियर इज द सक्सेस दैट यू डिजायर्ड फॉर। मैं बताता हूँ कि दैट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए हियर, हियर इंट्रोडक्टरी हियर है, इसकी बात नहीं करेंगे। द सक्सेस हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया ऑब्जेक्ट और डिजायर्ड फॉर हो गया फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब कह दीजिए यहाँ पे, जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगता है तो फ्रेजल वर्ब कहते हैं, आप जानते हैं पहले से ही। यू है ऑब्जेक्ट, दैट यहाँ पे आए कनेक्ट कर रहा है दोनों पोर्शन को, हियर इज द सक्सेस और फिर दैट कनेक्ट कर रहा है यू डिजायर्ड फॉर। तो दैट क्या कनेक्ट कर रहा है, मतलब रिलेशन जो रहा है साथ में, जो दैट हुआ है सक्सेस के बदले में यूज हुआ है, तो सक्सेस नाउन है और इसके बदले में यूज हुआ है दैट, तो प्रोनाउन हो गया, कनेक्ट भी कर रहा है, संबंध भी जुड़ रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो हो गया, ऑब्जेक्ट कैसे है, सो यू ऑब्जेक्ट है और यू के साथ ही काम कर रहा है, सो इसलिए यहाँ पे इस दैट को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्जेक्ट का काम ही कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो लास्ट में ही आएगा, हियर इज द सक्सेस दैट यू डिजायर्ड फॉर। तो पहला रूल हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में, तब उस सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है तो एंड में ही करना है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल है कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर है और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन को लास्ट में ही रखना होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन लास्ट में होगा। आप जानते हैं जैसे कि एक वर्ड व्हाट, व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो सेंटेंस शुरू में एग्जांपल देखा था व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ, है ना, वो वाला एग्जांपल यहाँ पे है। वहाँ पे क्या था, व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ, ये था। या तो यहाँ पे व्हाट क्या था, व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इधर भी व्हाट इज मीरा थिंकिंग ऑफ, यहाँ पे भी व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आई एम सॉरी, लेट नॉट रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दोनों जगह पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव कह दिया है तो रिलेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट का काम करना चाहिए इसको। सो यहाँ पे देखिए जो प्रिंट टाइप किया हुआ है, व्हाट इज मीरा थिंकिंग ऑफ, इस सेंटेंस में मीरा सब्जेक्ट, थिंकिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब और ऑब्जेक्ट है व्हाट। एक्चुअली होता कैसे, ऐसे होता, मीरा इज थिंकिंग ऑफ व्हाट, ओके, ऐसे होता, मतलब मीरा किसके बारे में सोच रही है।
तो एक्चुअली जो रूल कहता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो आप इसको एंड में नहीं यूज कर सकते हैं, शुरू में ही करना होता है। इस कारण से व्हाट को शुरू में रखा जाता है। सो व्हाट इज मीरा थिंकिंग ऑफ, मेरा सब्जेक्ट है, दूसरे तरीके का मेरा सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, सो वर्ब हो गया या फ्रेजल वर्ब कहिए। ऑब्जेक्ट क्या बचा, वॉट। सो यहाँ पे वॉट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड वर्किंग एज अन ऑब्जेक्ट। तो इस स्थिति में भी हमें अगर प्रीपोजिशन आ रहा है सेंटेंस में तो एंड में ही आना है, और इसलिए ऑफ एंड में आया है। जो एग्जाम्पल शुरू में देखा था, वॉट इज ही फोन्ड ऑफ, यहाँ पे जहाँ घेर रहा हूँ वहाँ देखिए। सो यहाँ पे वॉट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इस कारण से ऑफ लास्ट में आया हुआ है। दो रूल हो गया। तीसरा रूल सबसे अच्छी है, जब ऑब्जेक्ट पर जोर देना होता है, जब ऑब्जेक्ट पर हमें इम्फेसाइज करना होता है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को लास्ट में खींच देते हैं, रख देते हैं। एक सेंटेंस देखिए, नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जोर नहीं दिया जा रहा है। राम लॉन्ग्स फॉर दिस। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा करना, कामना करना, चाहना। सो राम लॉन्ग्स फॉर दिस, मतलब राम इसकी इच्छा करता है। हिंदी है इसका, राम इसकी इच्छा करता है। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, लॉन्ग्स फॉर फ्रेजल वर्ब है, वर्ब कह लीजिए, और दिस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट पे वो जोर देना है तो दो चीज, ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस के शुरू में, सो दिस, और बाकी को रख दीजिए वैसे ही, दिस राम लॉन्ग्स फॉर, दिस राम लॉन्ग्स फॉर। ऐसा सेंटेंस कम सुनते हैं आप, अजीब सा लग रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट है, हाँ डाउट मत रखिएगा। सो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है, इम्फेसाइज करना होता है, सो उस स्थिति में भी हम ऑब्जेक्ट को शुरू में रख देते हैं, और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन अगर आया हुआ है उसके साथ तो लास्ट में आएगा। ओके, सो दिस राम लॉन्ग्स फॉर। इस तरह से तीन रूल्स की सहायता से हमने लर्न किया कि कब कब हमें प्रीपोजिशन को लास्ट में रखना चाहिए। तीन रूल्स आपके सामने फिर से आ गए हैं कि जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तब प्रीपोजिशन अगर सेंटेंस में है तो लास्ट में रहना। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, तब मतलब सेंटेंस में शुरू में अगर आ जाए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो भी हम प्रीपोजिशन रखेंगे, तो उसको रखेंगे हम लास्ट में ही। और तीसरा है कि जब ऑब्जेक्ट पे जोर देना होता है, एम्फेसाइज करना होता है, उस स्थिति में भी ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, जितना बचेगा वो वैसे ही रहेगा, और अल्टीमेटली लास्ट में प्रीपोजिशन ही बचता है। तो इस तरह से हमने देख लिया आज के इस लेक्चर में कि सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशन कब कब आते हैं। थैंक यू वेरी मच।